तो है गाइज नमस्ते, भले रहता तो समस्ते। तो गाइज मैं आज आपके लिए एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आ चुका हूँ, क्योंकि ग्रो से पैसे कैसे निकालेंगे। सो गाइज अगर आपने ग्रो आप में इन्वेस्ट किया है और आपने पैसा जो है लॉस में चल रहा है, आपको कैसे निकालेंगे, तो मैं हम चलते हैं सीधे ग्रो अकाउंट पर। तो गाइज यहाँ पे पासवर्ड डालने के बाद आपका जो है ग्रो अकाउंट खुल जाएगा। तो गाइज यहाँ पे देख सकते हो हमारा तो मतलब जो म्यूचुअल फंड का ग्रो आपका जो म्यूचुअल फंड सेक्शन खुल के आ चुका है। तो यहाँ पे म्यूचुअल फंड, यहाँ पे स्टॉक खुल के आ चुका है। तो हमें क्या करना है कि हमें जो इन्वेस्ट किए थे म्यूचुअल फंड में, तो उसमें हमारा घाटे चल रहे हैं, तो हमें उस पैसे को निकालना है। तो जितने भी सारे आप इन्वेस्ट किए होंगे तो ये यहाँ पे डैशबोर्ड में दिखाएगा, तो जिनको पता है वो स्किप ना स्किप करके आगे देखिए, नहीं तो जिनको नहीं पता वो पूरी तरह हमारी वीडियो को लास्ट तक देखें। तो यहाँ पर देख सकते हो म्यूचुअल फंड में हमने एक बार इन्वेस्ट किया था जो कि अभी घाटे में चला है। देख सकते हो मैंने एक बार मेरे दोस्तों की मतलब सलाह से मैंने एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया था जो कि 200 रुपये का, तो मुझे पता नहीं था उस वक्त। तो मैंने या अभी देख सकते हो मेरा करंट अभी बचा हुआ है 185 और मतलब लॉस हुआ है 15 रुपीज़। तो यहाँ पे मैं ना एक जब भी मैंने लॉकडाउन के समय इन्वेस्ट किया था, तो इसलिए ऐसा हुआ क्योंकि उस समय मतलब रेट ऑफ वैल्यू इसका कम था, इस मतलब जो स्टॉक सारे घट रहा था, तो इसलिए हमारा जो है कि लॉस में चल रहा है। तो यहाँ पे मुझे इतना लॉस नहीं सहना पड़ेगा क्योंकि मैं चाहता था कि मेरा प्रॉफिट हो, लेकिन ये लॉस में चल रहा है। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, इस पैसे को निकाल लेना है अपने अकाउंट को। तो यहाँ पे इन्वेस्ट पर क्लिक करना है और जिसमें आप इन्वेस्ट किए थे, मैंने ICICI गोल्ड में जो कि इन्वेस्ट किया था वो अभी लॉस में है, तो मुझे और लॉस नहीं सहना है, तो यहाँ पर हमें निकालना पड़ेगा। तो वैसे विड्रॉल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले डैशबोर्ड में सिलेक्ट करना है और इन्वेस्टमेंट पे आप जितने इन्वेस्ट किया है इन्वेस्टमेंट पे जाना है। और देख सकते हो यहाँ पे पहले क्या करता था कि जो अपडेट ये ग्रो आप जब ये अपडेट नहीं हुआ था तो नीचे जो सेल के जगह पर रिडीम हुआ करता था, तो इसी के वजह से बहुत सारे जो व्यूअर्स हमारे जो यूजर्स है वो भी मतलब कन्फ्यूज हो रहे हैं कि हम मतलब रिडीम मतलब विड्रॉल कैसे करें। तो यहीं पर है, आपको मतलब हैरान होने की कोई बात नहीं, ये सेल के ऊपर क्लिक करिए। तो सेल के ऊपर क्लिक करते ही आपको पूछेगा आपको कितना पैसा निकालना चाहते हो। तो यहाँ पे मतलब रिडीम का जगह सेल आ चुका है, तो कंफ्यूज मत होना। तो यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि मेरी पूरी पैसा जो मैं विड्रॉल करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मेरे 185 डाल दिया। तो यहाँ पे देख सकते हो मेरा पूरा अमाउंट डाल दिया, जो जितना भी है मेरे पास मैंने लगाया था वो निकाल दूँगा अभी, जितना भी बचा हुआ है। तो उसके बाद नीचे दिखा रहा है कि डू यू वांट टू सेल ऑल यूनिट, तो मैं इस पर टिक मार्क लगा देता हूँ, सेलिंग ऑल यूनिट्स में सेल करना चाहता हूँ। तो उसके बाद क्या करना है कि सेल ऑल यूनिट पर क्लिक करता हूँ। तो देख सकते हो जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे कुछ यहाँ पे लिख के आ रहा है कि अब अगर आप रिडीम करते हो अंडर 15 डेज आपके पास चला जाएगा पैसा। तो ये टर्म एंड कंडीशन है, हमें उसके ऊपर क्लिक करना है, कंटिन्यू पर क्लिक करना है। ये बोल रहा है कि आपको ग्रो बैलेंस में पैसा चाहिए विड्रॉल जो करेंगे या ट्रांसफ़र बैंक अकाउंट पे करेंगे। तो हमें ग्रो बैलेंस में नहीं चाहिए, जो कि आपका वॉलेट है ग्रो का, तो हमें उसमें नहीं चाहिए, हमें ट्रांसफ़र कर देना है अपने बैंक अकाउंट को। तो यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर आपको पासवर्ड मानना पड़ेगा ग्रो आपका, तो हम लगा लेते हैं। तो वैसे हम अपने पासवर्ड लगा लिए हैं, तो यहाँ पर टिक पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे दिखा रहा है कि प्रोसेसिंग चल रहा है। तो भाई देखिए ये प्रोसेसिंग ऑर्डर हो रहा है, देखिए रिडीम ऑर्डर प्लेस हो गया है। जैसे कि आप शॉपिंग करते हो, जैसे कि ऑर्डर आने में टाइम लगता है, उसे ये पैसे आने में थोड़ा टाइम लगेगा। देखिए यहाँ पे दिखा दिया है कि 28 सितंबर से तक आ जाएगा। तो यहाँ पे आप इस ऑर्डर को ट्रैक कर सकते हो कि मतलब हमारा पैसा कहाँ तक आ चुका है। तो यहाँ पे देखिए मेरा अभी स्टार्टिंग हुआ है, ये 3 स्टेप में हमारे तक पहुंच जाएगा। तो ये दिखा रहा है इतने देर लगेगा, लेकिन उससे पहले भी आ सकता है। तो उम्मीद करता हूँ ये हेल्पफुल वीडियो आपको अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना।